खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां गुरुवार को रीवा की जिले की तथर तहसील में बिरसा मुंडा विचार मंच द्वारा 11 दिवसीय गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। जनपद पंचायत अध्यक्ष मीनू आदिवासी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान बिरसा मुंडा की जीवनी पर बनी 28 मिनट की फिल्म का विमोचन भी किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा विचार मंच रीवा द्वारा महाराजा ग्रुप के चेयरमैन देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जनपद पंचायत अध्यक्ष मीनू आदिवासी ने गुरुवार को रीवा की जिले की तथर तहसील में भगवान बिरसा मुंडा 11 दिवसीय गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान इस अवसर पर बिरसा मुंडा की जीवनी पर बनी 28 मिनट के फिल्म का विमोचन भी किया गया। गुरुवार को रीवा जिले के तथर तहसील के शासकीय विश्राम घर से 11 दिवसीय भगवान बिरसा मुंडा गौरव यात्रा के नाम से रवाना हुई। यात्रा के चलते कार्यकर्ताओं तथा जनजाति समाज में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा तथर विधानसभा में प्रत्येक मंडल से पंचायतों से होती हुई 114 ग्राम पंचायतों का भ्रमण करने के पश्चात 29 तारीख को यात्रा का समापन होगा। यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है। जैसा कि नाम है कि बिरसा मुंडा भगवान की गौरव यात्रा, तो आप सभी से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप सभी इस गौरव यात्रा जब आपके पंचायत में पहुंचे तो इसका भव्य स्वागत करें। स्वागत के लिए आपको किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना है, टेंट नहीं लगाना है, माइक नहीं लगाना है। आपके घर में फूल होगी, माला होगी, आप उससे भी स्वागत कर सकते हैं। इस दिव्य रथ का भव्यता भले न रहे आपके स्वागत में, लेकिन आपके मन में बुद्धिमान कोल जी सोहरवा से चलकर आए हैं, मैं चाहता हूं कि आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन है, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा। बलराम सोनी जी से आग्रह है, आप बुद्धिमान जी का माल्यार्पण कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि ये गौरव यात्रा, अभी दादा ने बताया कि इतने तारीख को यहाँ रहेगी, इतने तारीख को यहाँ रहेगी, तो आपके पंचायत में जब भी ये गौरव यात्रा भगवान बिरसा मुंडा की पहुँचे तो आप इसका स्वागत करें, वंदन करें और जन जन से बिरसा मुंडा की गौरव यात्रा आ रही है, हम सभी को मिल करके इसका स्वागत और वंदन करना है। विचार रखने के लिए समित आरती के संयोजक अग्रज अमरनाथ सोनी जी से आग्रह करूंगा कि आए और अपना विचार रखने का कष्ट। परामागणी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व जिला कार्यसमिति सदस्य, प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य, हमारे जिला पंचायत, हमारे जनपद पंचायत त्योथर के अध्यक्ष महोदय, यह आजादी के अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। पिछले साल मैं बिरसा मुंडा जी के उलिहाती गांव जाके एक छोटी सी लघु फिल्म का निर्माण किया था कि उनके जीवन के बारे में त्योंथर क्षेत्र की जनता को उनकी जानकारी दी जाए। तो गौरव दिवस मनाने का उद्देश्य यही था कि इनके जीवनी पर एक यात्रा निकाली जाए, गौरव यात्रा, जो त्योंथर तहसील के समस्त ग्राम पंचायतों में जाके आदिवासी भाइयों के बीच, निर्धन आदिवासी परिवार में जन्मे बिरसा कैसे भगवान बिरसा मुंडा बन गए, तो उसके बारे में उनकी कृतित्व, व्यक्तित्व और उनकी संघर्ष क्षमता और उनकी जीवन शैली के बारे में जानकारी दी जाए कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो काम कर दिया जो लोग वर्षों, सैकड़ों वर्ष जी के नहीं कर पाते हैं। तो बिरसा मुंडा ने अपने समाज, हिंदू धर्म के लिए, आदिवासियों के गौरव के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया और वह कुर्बानी उन्हें भगवान के रूप में अपने समाज में स्थापित कर दी। कितने दिन यात्रा चलेगी और कहाँ कहाँ ये यात्रा 12 दिन चलेगी और यहाँ से आज से प्रारंभ हो के यात्रा समापन 21 तारीख को यहीं इसी स्थल पर त्योंथर के इस विश्राम गृह पे समाप्त होगी। 12 दिवसीय यात्रा त्योंथर तहसील के समस्त 114 ग्राम पंचायतों को कवर करेगी। क्या 12 दिन में पूरी यात्रा पूरे गांव को कवर करेगी? लगभग जो है तो अपने जहां पे आदिवासी परिवार, आदिवासी भाई रहते हैं उसको कवर करते हुए पूरे यात्रा कवर करेगी और शाम को सवेरे जब आदिवासी भाई काम पर
जाते हैं उससे पहले और लौटने के बाद जो लघु फिल्म का प्रदर्शन वो जहाँ पर समय मिलेगा तो लघु फिल्म 26 मिनट की वो भी दिखाई जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, लगातार आपके द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो सामाजिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे, तो क्या 2023 की तैयारी चल रही है? ये तैयारी 2023 की भी है, 2024 की भी है और त्योंथर क्षेत्र के विकास के लिए भी है। त्योंथर क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है, अपने जन्मभूमि के लिए कार्य करना हर नागरिक का कर्तव्य है और मैं भी उसमें लगा हुआ हूँ।